अध्यक्ष जी और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवान साथी मतलूम गौर जी, रफीक अंसारी जी, राजेंद्र शर्मा जी, राजपाल सैनी जी, पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी, सुधीर पवार जी, प्रमोद त्यागी जी, शायद मंजूर साहब पूर्व मंत्री जी, अतुल प्रधान जी, शायद सिद्दीकी साहब, आदिल चौधरी जी, त्रिलोक त्यागी जी, बड़ी संख्या में यहां पर मंच पर नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के आरएलडी के सभी हमारे सम्मानित नेतागण। और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर दूर तक बड़ी संख्या में दोनों दल के हमें नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहने और पत्रकार बंधुओं, बाईं तरफ मंच भरा है, इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो आए हुए हमारे किसान भाई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती है, इस धरती को मैं नमन करता हूं। यहाँ के लोगों ने हमेशा, यहाँ के चौधरी चरण सिंह जी ने न केवल आपके इलाके को बल्कि पूरे प्रदेश देश के किसानों को जिलाने का काम किया। हम ऐसे लोगों का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिसके बीच से ऐसे महान नेता निकले। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका संविधान, जिन्होंने संविधान देकर के इस लोकतंत्र में हमें और आपको अधिकार देने का काम किया है, मैं उनको भी याद करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने देश को नई दिशा दी लोकतंत्र में। इस बार ये जनसैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, ये जन समर्थन बता रहा है। कोई बदलाव रोक नहीं सकता। हमारे किसानों को क्या क्या नहीं सामना करना पड़ा, हमारे किसानों को क्या नहीं सामना करना पड़ा। 3 कानून लाए गए, जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी, बातचीत कर करके किसानों को चित्त करना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर दिया है। और ऐसा संदेश क्या है कि अगर किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे। और यहाँ के किसानों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिटकनी भी लगा देगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। जहाँ किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो, लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहती है, लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं। आरएलडी जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करे, जिन्होंने मान छीना किसानों का, जिन्होंने मान छीना, याद होगा आपको जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले और किसान चाहते थे उनकी बात सुनी जाए,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीत से कुचल दिया। कहीं अगर ऐसा उदाहरण हो दुनिया में तो हमें बता दो, कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसानों को कुचला है, अगर उनका मान छीना है, तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जाना होगा, उनके उनका सफाया होगा। इधर जो फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसानों को अगर खाद की जरूरत है तो खाद नहीं मिल रही, बताओ किसान भाइयों खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, आपको बिस्तर चाहिए अस्पताल में उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? महंगाई आज आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आपकी कमाई आधी हो गई है। इस महंगाई में आपकी आधी कमाई है, क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। जहां कमाई आधी हुई है वहीं महंगाई दोगुना हो गई है। बताओ हमें, अगर आधी कमाई होगी महंगाई दोगुनी होगी तो बताओ हमारा किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे? कोई रास्ता बताए कैसे खुशहाल होगा? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवान साथियों, कि ऐसी सरकार है, अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे हैं नौजवान बड़ी संख्या में, कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई उम्मीद नहीं बची, रोजगार के अवसर नहीं है। जो नौकरी जहाँ मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। हवाई जहाज बेच दिया, हवाई जहाज जहाँ खड़ा होता है वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहाँ बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, ये ट्रेन बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहाँ मिलेगा? जो आपको अधिकार मिले थे वो कहाँ से मिलेंगे? ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले को हवाई जहाज पे बैठा देंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई 100 के पास? बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं? और इस ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर, हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं।
जहाँ किसान की खुशहाली हो, यहीं के यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए। बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं, मुझे याद है वो समय जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे। उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न बच रहे उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया ऐसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जब बिजली को लेकर के, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रख पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूँ, हमारे नौजवानों की ऊर्जा मैं देख रहा हूँ। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं, वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ जाने वाले है सरकार के नहीं जाने वाले? जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलम जीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं, वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं, वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूँ और अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूँ। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ।
इस ऐतिहासिक समारोह में देख रहा हूँ रोड अभी भी भरी है। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी और अगर उधर से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इसलिए मदद करना आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव से ही, परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।